हेलो एवरीवन, सहानी फूड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मेरे टेबल पे आप देख रहे हैं, आज मैं आपको सोया चंक्स बिरयानी बनाना दिखाने वाली हूँ। चलते तो हम अपने किचन पे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया था, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ के प्याज, 4 पीस प्याज मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसे मैं अच्छे से ऑयल में डीप फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। तो हमें इसी तरीके से चलाते रहना है और इसे हम अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेंगे। थोड़ा समय हो चुका है तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे प्याज काफ़ी ज़्यादा ही सॉफ्ट हो चुका है। तो हमें इस ऐसा नहीं, हमें पूरा डीपली ब्राउन करना है। तो ये देखिए, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने प्याजों को बहुत अच्छी तरीके से ब्राउन कर लिया है। तो अब हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे और हमें ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए प्याज में, हमें इसे ड्राई यूज़ करना है। तो इसे हम एक्सेस ऑयल को साइड करते हुए निकालते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे फ्राइड अनियन तैयार हो चुके हैं। तो हम आगे की प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल लिया है जिसमें मैं अपने सोया चंक्स को डाल रही हूँ, अपने सोयाबीन को, और इसे मैं गर्म पानी डाल दूँगी इसमें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा सॉल्ट अंदर चली जाए और हम इसे खाएं तो हमें फीकापन ना लगे और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाती है। तो इसे हम ढककर छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हो चुका है, तो आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी है, ये बहुत अच्छे से स्मूथ हो चुकी है, स्पॉन्जी हो गई है। तो हम इसे एक्सेस वाटर को निकाल देंगे, अच्छे से निचोड़ेंगे और दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करते रहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अच्छे से निचोड़ के एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, मैंने छोटे चम्मच से 1.5 चम्मच नमक ऐड कर दिया है इसमें, और साथ ही साथ मैं इसमें अपने रेड चिली पाउडर को ऐड कर दूंगी। और ज़रा सा हल्दी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और छोटी चम्मच से 2 चम्मच मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। तो अब हम इसमें अपने 4 मैंने छोटी इलायची लिया था इसे मैं डाल दूंगी, और साथ ही साथ शाही जीरा,
छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और मैं इसमें बड़े चम्मच से दही डाल रही हूँ। तो हम इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो मिलाने से पहले हम इसमें थोड़ा सा ड्राई अनियन भी यूज़ करेंगे, जो हमारे फ्राइड अनियन हैं, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत अच्छा लगता है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप घर पर बना के खा रहे हैं। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी हरी मिर्च को डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम आप अपने अकॉर्डिंगली डाल दें। और ये ऑयल जो मैं डाल रही हूँ, ये इसी में मैंने अनियन को फ्राई किया था, तो मैं यही ऑयल ऐड करूँगी ताकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है। तो अब हम इसमें अपने बिरयानी मसाला इसमें हम ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे बड़े चम्मच से 2 चम्मच बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो थोड़ा पानी हम ऐड कर देंगे, ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, इसीलिए बस हम ज़रा सा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं 1 चम्मच के अकॉर्डिंग। तो ये ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं अपने बिरयानी के चावल की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसमें मैं 2 इलायची और 3 इलायची और 1 हरा मिर्च मैंने इसमें डाल दिया है और वो खूब सारा नमक। नमक हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और इसे उबाल आने के लिए रख देंगे और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर देंगे। तो इसे हम अच्छे से बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो हम चलते हैं हम आगे की प्रोसेस में। तो आज मैं बिरयानी इसमें बनाने वाली हूँ। तो मैंने इसे गर्म होने के लिए रख दिया और साथ ही साथ मैं इसमें अपने सोया चंक्स सारे डाल दूंगी, इसीलिए हमने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। और साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने का तरीका है, जिस बाउल में आप सोया चंक्स को मिक्स किए थे हम उसी में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें डाल देंगे। तो इसे हम हल्का सा चला लेंगे। और इसे ढककर हम इसे पकने देंगे। स्टार्टिंग के 3 मिनट हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे और उसके बाद हम मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये हमने हाई फ्लेम पर पकाया था, इसमें अच्छी तरीके से उबाल आ चुकी है। तो अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर पकाएंगे, मीडियम लो। तो अब हम चलते हैं अपने राइस पर। तो ये ऑलमोस्ट बॉईल हो चुकी है। तो हमने ऑलरेडी चावल को 1 घंटा पहले भिगो के रखा था, तो इसी चावल को हम इसमें ऐड कर देंगे।
हमने इसे ऐड कर दिया और साथ ही साथ एक चम्मच की हेल्प से हम ऊपर में जो इलायची और मिर्च तैर रही है इसे हम निकाल लेंगे। इसका फ्लेवर ऑलमोस्ट हमारे चावल के पानी में चला गया होगा और पानी से हमारे चावल में वो फ्लेवर ऑलरेडी आ जाएगी जब हमारा चावल इसमें बॉईल हो जाएगा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नीचे लग ना जाए और चावल को हम अराउंड 70-80% इसमें पकने देंगे। तो अब हम चलते हैं हम अपने आगे के प्रोसेस में। हम इस बिरयानी में दम लगाएंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक बाउल में थोड़ा सा आटा ले लिया है और इसे अच्छी तरीके से गूंध लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसे अब अच्छे से मसल लेंगे हाथों के हेल्प से और डो हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे हल्के हाथों से इसे लंबा करेंगे, राउंड शेप में इसे रोल करते हुए इसे लंबा कर लेंगे। तो हमारी आटे की लंबे वाली आकार वाली बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं अपने चावल पर, इसे देख लेते हैं। तो हमारा चावल ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है, हमें इसे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। तो अब हम इसे छानकर अपने हांडी में हम इसे ऐड कर देंगे। तो एक छनौटा लेंगे जिससे हम पूरी छानते हैं, तो इससे हम चावल को छानकर अपने हांडी में ऐड कर देंगे। तो हांडी का ढक्कन हम अच्छे से निकाल देते हैं, ये देखिए। और अब हम इसमें अपने चावल को स्प्रेड करेंगे। तो इसे हम अच्छे से चला लेते हैं तो बिल्कुल भी नीचे से सटा नहीं है, थोड़ी सी भी चिपचिपा नहीं है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि जब दम लगे तो ये जल ना जाए नीचे से। तो इसे हम स्प्रेड करते हुए रख देंगे और अब हम इसमें अपने चावल को भी ऐड करेंगे। तो छानते हुए हम ऐड करेंगे, तो उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा हमारे फ्राइड अनियन को स्प्रेड कर देंगे और अब हम चावल को छानते जाएंगे और इसे यूज़ करते जाएंगे। इसे हमें मिक्स नहीं करना, हमें अपने सोया चंक्स के ऊपर ही रखना है। आपको दिख ही रहा होगा चावल एकदम खिले खिले हैं, एक दूसरे से थोड़ा भी नहीं चिपक रहा, क्योंकि ये चावल पूरी तरीके से पका नहीं है। और जब अब हम इस प्रोसेस में इसे हम पकाएंगे भी तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो आप देखते जाएं, आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। तो ये देखिए, हमने अपने सारे चावलों को इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा येलो कलर फ्लेवर के लिए डाल देंगे ताकि ये दिखने में अच्छा दिखे। तो और साथ ही साथ हम इसमें अब अपने फ्राइड अनियन को भी ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। तो हमने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिया। तो अब हम इसमें अपने जिस ऑयल में हमने अनियन को फ्राई किया था हम उसी ऑयल को यूज़ करेंगे
और ऊपर से डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे बड़े चम्मच से 2 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो अब हम इसे अच्छे से ढक देंगे। तो हम इसे अच्छी तरीके से दम लगाएंगे। तो पहले मैं ढक्कन पर अपने आटे के डो को लगा लूँगी अच्छे से स्प्रेड करते हुए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से लगा लिया है। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से ऊपर में प्रेस कर देंगे अपने लीड को और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि हमारा एयर बिल्कुल भी ना निकले। अच्छी तरीके से ये सेट हो चुकी है। तो हमें इसे 15 मिनट तक पकाना है। तो ये देखिए 15 मिनट मैंने इसमें लो फ्लेम पर दम लगाया। फर्स्ट मैंने 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रखा और उसके बाद मैंने इसे लो फ्लेम पर अराउंड 15 मिनट के लिए दम लगने दी और उसके बाद मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया और 20 मिनट के लिए। तो उसके बाद मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुकी है। तो मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो आप निकालने का भी तरीका है, आप इसे मिक्स बिल्कुल ना करें और एक साइड से निकाल निकाल कर आप इसे का आनंद लीजिए। आप इसे बस एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। तो ये देखिए, तो मैं आपको पूरा प्लेट दिखा रही हूँ। तो हमारा ये बिरयानी बनकर तैयार है। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।